हमारे सांसद जो दिल्ली में हैं आपके मनोज तिवारी जी, वो भी आज तो सांसद बन गए हैं लेकिन हमसे जूनियर हैं, क्योंकि टी सीरीज में हमारे बाद वो आए हैं गाने के लिए। बड़ी अच्छी आवाज है हमारा मित्रता। आप भी बहुत जबरदस्त गाते थे रवि, मनोज तिवारी जी सांसद बन गए हैं, आपको भी तो अवसर मिला होगा। देखिए अवसर मिला है, सच्चाई ये है, ऐसा ऐसा गाना रात में ललटेन दे पढ़े के पेन दे। बहुत से वीडियो तो आप ही पे आरोप लगते रहते हैं इन सब चीजों का। आरोप लगेगा लेकिन मेरा जो भी गाना है सब मैं द्वर्थी गीत गाता हूँ, और यही तो सब बोल देते हैं कि भैया हम भी दो अर्थी ही गा रहे हैं। सुनिए एक लाइन में सुनाता हूँ, मेरे साथ के बहुत कलाकार लोग बहे के पूर्वर में बह गए पछुआ, ठीक ना, आओ सनम और जाओ सनम। लेकिन आज के डेट में हर सप्ताह में आया था, मैं ट्रेन में आ रहा था तो केला वाला घुस गया, तो पास में हमारे बैठे थे कुछ लोग, तो एक औरत थी वो अपने हस्बैंड से बोली, हमारे सामने की बात है, जो केला लेके आइए केला खाऊंगी, घर बिक रहा है। वो केला जो था इतना पक गया था, तो उसको क्या किया वो लेडी जो है हमारे सामने ही, उसको पूरा पहले ही छील दिया, हाथ में पकड़ ली केला, खाना शुरू कर दिया, तब ही बोला ये आधा छीलो। तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का बीसीटी में, और मैं ध्रुव लाल यादव, आज हमारे साथ में बैठे हैं सुपरस्टार राधे श्याम रसिया जी, तो इनसे हम कुछ खास और स्पेशल बातचीत करेंगे, वीडियो पर बने रहिए। हम खास करके आपने देखा होगा बीसीटी के माध्यम से कुछ विशेष जानकारी लेकर आते हैं, यानी कि दुनियादारी से अलग कुछ ऐसी जानकारी, कुछ ऐसा वीडियो, कुछ ऐसे सुपरस्टार कलाकार, म्यूजिक कंपोजर, राइटर, जिनके माध्यम से आप कुछ सीख सकें। हमारे पास में 90 के दशक के सुपरस्टार, यानी कि आपने देखा होगा जब टेप रिकॉर्ड के कैसेट चलते थे, हमने स्वयं सुना है, साथ साथ में सीडी डीवीडी में हमने सुना है राधे श्याम रसिया जी को, और आज के टाइम पे भी इनका जो ढेर सारे गाने हैं आप लोग देखते होंगे इंटरनेट पे, यूट्यूब के माध्यम से वायरल होते रहते हैं, यानी काफ़ी लंबे अंतराल से जो है मार्केट में वही दबदबा, वही रुतबा। एक समय था कि टी सीरीज में राधे श्याम रसिया जी का तूती बोलता था, जो हम लोगों के आम भाषा में कहा जाता है, एक बोलबाला कहा जाता है, वो सब चीज़ें हमारे राधे श्याम रसिया जी के पास था। और आज भी जैसे समय परिवर्तन हुआ, सिस्टम परिवर्तन हुआ, लोगों को जैसे हमारे जनता जनार्दन जो हैं देखने वाले लोगों को मौका देते हैं, हमारे राधे श्याम रसिया जी को भी मौका दिया था। आने वाले समय में कुछ चीज़ें हैं जो परिवर्तन करके आप लोगों के दिलों पर फिर से राज करना शुरू कर दिए हैं। ढेर सारे गाने हमने देखे हैं इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, राधे श्याम रसिया जी के गाने इस टाइम बढ़िया चल रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं, बढ़िया जो है पब्लिक रेशियो है। तो हमने सोचा कि आप लोगों के बीच में राधे श्याम रसिया जी को लाया जाए, क्योंकि एक लंबा अनुभव है इनका, एक बहुत लंबा जो है जर्नी रहा है भोजपुरी लोकगीतों में। तो हम मिलवाते हैं राधे श्याम रसिया जी से और करते हैं कुछ खास और स्पेशल बातचीत। जी राधे श्याम रसिया जी, स्वागत है आपका हमारे वीसीटी में और हमारे ढेर सारे दोस्तों के बीच में। देखिए सबसे पहले जो भी हमारे श्रोता हैं जी, उन को चरण छू के प्रणाम कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के भी प्रणाम कर रहा हूँ, और बीसीटी यानी कि भोजपुरी सीनियर टच मीडिया जी तो आपका भी चैनल को नमस्कार कर रहा हूँ। राधे श्याम रसिया जी, वैसे हमने देखा है आपके कुछ गाने, यानी कि एक टाइम था जब हम बहुत छोटे थे, यानी कि हमारा बचपना रहा होगा, 10-12 साल के एज के हम रहे होंगे, उस टाइम जो टेप रिकॉर्ड का सीडी हुआ करता था उसको भी मैंने सुना है। एक टाइम था जब मतलब सीडी का मार्केट आया, उस टाइम भी आपको मैंने सुना है, खूब ज़बरदस्त जो है आपका गाने हुआ करते थे, गाने आते थे, लोग इंटरेस्ट लेते थे। हाँ एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जब वीडियो लगता था गाँव पर, वीडियो वाला सिस्टम, तो उसमें क्या होता था, स्टार्टिंग में पहले आपके एल्बम लगते थे और फिर जब पूरी रात वीडियो चलने के बाद जो है सुबह के टाइम में एक बार फिर से लगता था। उस दौर के विषय में क्या जानकारी देना चाहेंगे हमारे मित्रों को, एक बहुत सुनहरा जो है आपका उस टाइम रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। मेरे पास
माँ सरस्वती का दिन है कि मैं लंबा समय से गा रहा हूँ, आज भी हमारी प्रोग्रामें चलती हैं, आज भी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आज आपके अनु म्यूजिक में हूँ, ये गणेश नगर दिल्ली है ना, हाँ। गणेश नगर दिल्ली में, तो श्रोता लोग को मैंने इतना प्यार दिया हूँ। देखिए श्रोता जो होते हैं वो जीरो से हीरो बना देंगे, हीरो से जीरो बना देंगे। आज हमारा छोटा भाई बहुत मानता हूँ, वो तो मुझे गुरु समान मानते हैं, हमारे खेसारी लाल जादू जी, और हमारी मुलाकात होती रहती है। अब खेसारी लाल को तो कल उद्घाटन हुआ, परसों हुआ, तो परसों इस स्टूडियो का उद्घाटन हुआ। मैंने जिस दिन उद्घाटन हुआ उस दिन हमारे श्रवण कुमार जी राइटर हैं, बहुत बड़े प्रिय मित्र हैं, मैं उनका गाना दो गाया हूँ, अभी और दो तीन गाना गाना है। तो क्या उद्घाटन में बुलाए थे आप खेसारी जी को? एक वीडियो आपका वायरल हुआ था जी, कि अगर हम खेसारी को बुलाते हैं तो दौड़े दौड़े चले आएंगे जी, जहाँ बुलाएं। तो उद्घाटन में स्टूडियो को उद्घाटन में आपने बुलाया था उनको? जी बुलाए थे। क्या कुछ बात हमसे हुई, वो अंदरूनी बात है, तो बोले कि भैया ऐसा है कि आप चले जाइए, और शिल्पी राज आई थी, वो थी, मैं था, बहुत कलाकार सभी थे। उद्घाटन हुआ और खेसारी से बात हुआ, तो कल मैं खेसारी लाल को बुलाया हूँ दिल्ली में। आज हम इस स्टूडियो पर एक महान राइटर हमारे बड़े भाई विनय बिहारी हैं, आज उनको भी यहाँ बुलाया हूँ, वो दिल्ली में आए हैं अभी गाजियाबाद में, बोले कि ठीक है हम भैया बाबू आ रहे हैं वहाँ। तो श्रोता देखिए मुझे आज भी चाहती है, और आज के भी दौर में मैं गा रहा हूँ, मेरे साथ के बहुत कलाकार लोग बह के पूर्वर में बह गए पछुआ, ठीक ना, आओ सनम और जाओ सनम, लेकिन आज के भी डेट में हर सप्ताह में महीने में दो चार पांच मेरा गाना छूटता रहता है। अच्छा एक टाइम था कि अगर कोई भी भोजपुरी लोकगीत बजता है लोगों के बीच में तो सिर्फ और सिर्फ राधे श्याम रसिया जी को ही सुनना पसंद करते थे लोग, लेकिन आज जो स्थिति है, परिस्थिति है सोशल मीडिया का और डिजिटल मीडिया होने की वजह से तमाम कलाकार हैं, तमाम जो है स्टूडियो वाले हो गए, तमाम कंपनियां हो गई, उनको और इनको लेकर क्या फर्क पड़ा आपके करियर पे? पहले बहुत कम कलाकार थे, अब घर घर में कलाकार हो गए, जैसे हमारे भाई छोटा भाई है उसका नाम है शैलेश सागर, जिसका गाना तो हिट किया था पुएं पुएं चुएं चुएं, और आज के डेट में मेरा लड़का का भी रिकॉर्डिंग यहाँ चल रहा है, और उसका कल रात तक 5 बजे सुबह तक शूटिंग भी चला है नजफगढ़ में। तो आज के डेट में हमारे ही घर में दो कलाकार हो गए। अब आजकल मैंने बीच में गाना बजाना छोड़ दिया था, ऐसा ऐसा गाना रात में लालटेन दे पढ़े के पेन दे, बहुत से वीडियो तो आप ही पे आरोप लगते रहते हैं इन सब चीज़ों आरोप लगेगा, लेकिन मेरा जो भी गाना है सब मैं द्वर्थी गीत गाता हूँ, और यही तो सब बोल देते हैं कि भैया हम भी दो अर्थी ही गा रहे हैं। सुनिए एक लाइन मैं सुनाता हूँ, कल मीडिया वाला आए थे तो बोले कि रसिया जी गाना आप गाए हैं ऐसा अभद्र क्यों गाए हैं, तो मैं उनको देखिए समझा रहा हूँ, आपका BCT आपके चैनल से आप छोड़ेंगे नेट पे, तो मैं बता रहा हूँ मैंने एक गाना, मेरा गाना अभी मार्केट में बहुत अच्छा अच्छा गोपाल जिला गोपाल में रख ले बा अभी मार्केट में चल रहा है, मैक्स म्यूजिक से चल रहा है, बहुत सा गाना मेरा आजकल चल रहा है, अभी अनु म्यूजिक गिरीश नगर दिल्ली में मेरा रिकॉर्डिंग चल रहा है, अभी लोकगीत गाया हूँ कुछ, कहने का मतलब है कि कांवर भी गाना है। और दूसरी बात कि हमसे मीडिया वाले वो पूछ दिए कि सुनिए जीजा बहुत दुखाला कि इसका अर्थ क्या है, जो दीदियों में जाला तो हमरों में जाला, एक जीजा है तो अपने औरत के लिए गया है मार्केट में सामान लाने खरीदने, तो साली जो है उनकी यानी आपकी साली मान लीजिए, बुरा नहीं मान रहे, नहीं बुरा नहीं मान रहे हैं, मैंने आप ही के साली आपसे पूछ साली तो साली होती चाहे आपकी हो चाहे हमारी हो, ठीक का है जी, हमारी साली आपकी साली आपकी भी साली ही होगी, अब भाई हमारी साली है तो हमारी साली ही होगी बाकी जी। हम तो मैंने उनको बताया वो जीजा जी गए सामान खरीदने, तो इस साली जो होती है उनकी वो फोन करती है कि जीजा मेरे लिए भी लेते हैं ना, वो पूछ रहे हैं कि बिंदिया लाऊं, शादी नहीं हुआ उसका, कान का बाली लाऊं या नथिया लाऊं तो नहीं, कपड़ा लाऊं तो नहीं, तो फिर बोले कि पायल लाऊं तो नहीं, तो
थोड़ा ये पहले बताओ कि क्या लाऊं मैं तुम्हारे लिए। तो वही कह रही है सुन गा के सुन क्या। हाँ हाँ सुनाइए। सुनिए जीजा बहुत दुखाला, सुनई सुनिए जीजा बहुत दुखाला, जवन दीदियो में जाला तवन हमरो में जाला। अब जीजा जी चक्कर में फंस गए हैं, तब सोच रहे हैं कि जी का बात है, कह रही कि जवन दीदिया में जाला तवन हमरो में जाला। तो वो समझ गए हैं तो बोल रहे हैं सुनई साली हमरो बुझाला, जवन तोहरो में जाला तारा दीदियो में आला। एक चूड़ी मांग रही थी आ दोनों बहन का साइज एक, और वही बोल रही थी कि जवन दीदियो में जाला तवन हमरे में जाला। इस गाने को बहुत लोग समझे कि बहुत अभद्र। हाँ मतलब तमाम तरह के जी चूड़ी चूड़ी पर गीत है। अच्छा तो राधे श्याम जी ये था आपके गाने को लेकर स्पष्टीकरण। लेकिन जो मेरा सवाल था उस सवाल को जो है फिर से हम करना चाहेंगे, क्योंकि जब आप चाहेंगे बीसीटी का मतलब है मेकिंग से संबंधित, ज्यादातर लोग जो है इस पर विजिट करते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि एक बहुत लंबा अंतराल रहा है, बहुत लंबा जो है दौर रहा है आपका भोजपुरी लोकगीतों में, टेप रिकॉर्ड से लेकर आज डिजिटल के समय पर आप बढ़िया ट्रेंड कर रहे हैं मार्केट में, तो एक लंबा अनुभव है। तो जो डिजिटल से पहले का यानी कि सीडी का जो समय था, कैसेट का जो समय था, और अब में कितना परिवर्तन, क्या परिवर्तन हुआ जी? जो सीडी का दौर था और आज जो है जो डिजिटल दौर है। देखिए जी जब कैसेट था तो मैं और गुड्डू रंगीला ही थे भोजपुरी में। भोजपुरी में जी बाकी भरत चाचा भी थे, बहुत लोग थे, मुन्ना सिंह थे, हमारे सांसद जो दिल्ली में हैं आपके मनोज तिवारी जी, वो भी आज तो सांसद बन गए हैं, लेकिन हमसे वो जूनियर हैं, क्योंकि टी सीरीज में हमारे बाद वो आए हैं गाने के लिए। बड़ी अच्छी आवाज है हमारा मित्र। आप भी बहुत जबरदस्त गाते थे रवि, मनोज तिवारी जी सांसद बन गए हैं, आपको भी तो अवसर मिला होगा। देखिए अवसर मिला है, सच्चाई ये है कि मुझे गाँव के लोग बोले कि रसिया जी बहुत बढ़िया दौर है, आप मुखिया में खड़े हो जाइए। मैंने सोचा कि मुखिया में खड़ा तो हो जाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक दौर जो चला है आज के डेट में, बुर्बक भी जो नहीं पढ़ा है वो भी जीत गया, ऐसा दौर चला था। तो मैंने सोचा कि मुखिया बन जाऊंगा, 50 बात तो होगा कि ये पंचायती कीजिए तो पंचायती कीजिए, तो यहाँ रोड बनवाइए, तो यहाँ कल लगवाइए, हम अपना प्रोग्राम देखेंगे कि गायकी देखेंगे कि रिकॉर्डिंग देखेंगे। मैंने बोला कि हमारे पास चीज नहीं है। मुखिया बनने का मतलब है मैं तो कभी बॉम्बे रहता हूँ, कभी दिल्ली रहता हूँ, कभी कलकत्ता हुआ, कभी घर, मैंने आधा जिंदगी हमारा सफर में ही बीतता है, कभी ट्रेन से, कभी बस से, कभी हवाई जहाज से। लेकिन कभी कभी आप पर आरोप लगते आए हैं कि जैसे मनोज तिवारी जी का आपने नाम लिया जी, खेसारी लाल जी का नाम लिया जी, और एक जो हमारे मार्केट के जितने भी स्टार सिंगर हैं इन लोगों का आपने नाम लिया, तो इन लोगों का कहीं ना कहीं जो मार्केट का जो फैन फॉलोइंग रहा है वो दूसरे हिसाब से रहा है। लेकिन मैंने सुना है कि आपका जो फैन फॉलोइंग रहा एक सीमित समय तक आपके पीछे रहा, लेकिन बीच में किसी गाने को लेकर, यानी कि मैंने कुछ सम्मानित लोगों के माध्यम से सुना है कि एक टाइम था कि आप बहुत ज़बरदस्त सुने जाते थे, लेकिन बीच में आपने कुछ ऐसे गाने लेकर आए जिन पर जो है अश्लीलता का आरोप लगता गया और धीरे धीरे आपका मार्केट डाउन हुआ, इस प्रकार के लोग कहते जाते हैं। देखिए मैंने बीच में एक तो लॉकडाउन सबसे ज्यादा कड़ाई था तो कलाकारों पर था, क्योंकि भीड़ नहीं लगाना है, तो हम लोग का प्रोग्राम 2 इसी तरह बंद हो गया। 2 में मैंने रिकॉर्डिंग करने नहीं आया, जब बीच में बुलाते थे दिल्ली, और दिल्ली से लोग भाग करके जाते थे, हम लोग लंगर भी चलवाए हैं, पूरी सब्जी लोगों को रुक रुक कर खिलाए हैं जो दिल्ली से भाग करके जाता था, गाड़ी रुकवा करके हम लोग 2-3 हम खिलवाए हैं। अब रही बात कि जब मैंने देखा, अब बताइए ठुकाना चल रहा है, बढ़िया ही चल रहा है, ढोंडी दनी छील दो हमारा के ऊपर फील दो। अब क्या गए, हम भी उम्र के हिसाब से हम भी बदल गए। आज हमारा लड़का गा रहा है जिसका नाम मैं सूरज चंद रसिया रखा हूँ, और मैं राधे श्याम रसिया हूँ। मैंने ये सब सुन करके मैं सोचा कि अब गायकी से मेरा मन बहुत दुखित हो गया था,
और लोग जो हैं वही चाहते हैं, लोग जो वही चाहते हैं कि कम से कम राधेश्याम रोशिया जी मतलब एक दिशा दे दिए हैं भोजपुरी को, एक दिशा ही दे दिए हैं कि मतलब इसी प्रकार गाया जाए तो लोगों का जो है लोग इनके प्रति जो है आएंगे। देखिए हमारा एक मतलब मैक्स स्टूडियो से उठावे है, वहाँ से एक मेरा गाना हिट हो गया है, ठीक ना, बहुत अच्छा गीत है जी। राधेश्याम रसिया जी हम आप जान चाहेंगे, दिनों रात जान हमारे रोत हुई। अच्छा, कैसेट का नाम है, अच्छा मार्केट में चल रहा है वो। तो अब रही बात की मैंने सब अश्लीलता, अब मान के चलिए हमारी लड़की भी हो गई, शादी करने जो हो गई, लड़का भी हो गए, अब वो सब जमाने गया, लेकिन जो भी मैं गाना गया हूँ दो अर्थी ही गया हूँ। सबसे पहले चूड़ी हर बार चूड़ी डाल दे सरका के मैंने गया था जी। फिर बाद में चूड़ी के ऊपर फिर गया हूँ, लेकिन कुछ लोग जब सुनते हैं तो लोग दूसरा अंदाज से व्यू लगाते हैं जी। अब देखिए कहना यह है कि किसी दुकान पे जाइए तो दुकानदार से आप पूछिएगा कि ये चावल कितने रुपए का है, तो 15-20 रुपए के जी है, ये कितना का है, ये 80-100 रुपए के जी का चावल है। तो दुकानदार से आप पूछिएगा जो कितना महीना बेच देते हैं, तो जो 10-20 रुपए वाला है वो कम से कम 50 बोरा बेचता है, और जो 100 रुपए वाला है वो 2-3 ही बोरा बेचता है। अब रही बात की मार्केट है, अभी भी मैं गा रहा हूँ, लेकिन जो भी गाना है आप लोग से तो कुछ छुपता है नहीं, जो भी मेरा गाना है सब दोवर्ती गीत है जी जी। अभी हमारे श्रवण जी क्या शब्द था गाना का, सैड सॉन्ग था, सैड सॉन्ग में बोल क्या था, बोल था कि ना होखी जान के बदनामी हम सबूत मिटावतानी, ना होखी जान के बदनामी हम सबूत मिटावतानी। अभी मैंने ये गाना गाया सैड सॉन्ग, श्रवण कुमार जी लिखे हैं, चंदा बेवफा, और एक है चंदा बेवफा, एक आने वाला है मेरा, आज रिकॉर्डिंग होगा, चंदा बेवफा। वो बहुत बढ़िया, इनका कलम का जादूगर है, अच्छे लिखते हैं, मित्र हैं। राधेश्याम रसिया जी, वैसे तो हम आपके मुरीद हैं, हम आपको सुनते हैं, अभी भी सुनते हैं, और आपके जो भी सैड सॉन्ग आते हैं कहीं से भी आए, हम मान के चलिए महीने में एक बार आपको जरूर सर्च करते हैं, वैसे तो अक्सर आता रहता है, सजेस्ट होता रहता है, लेकिन न्यू सॉन्ग करके कि मतलब नया अपडेट क्या है, जब भी फुर्सत मिलता है आपको सुनते हैं। आपके सैड सॉन्ग जो है बड़ा अच्छा लगता है, शब्दों का जो मेल है, शब्दों का जो परिभाषा, मतलब रोमांटिक गानों को साइड में रख दिया जाए तो जो सैड सॉन्ग है उनके जो लय सुर ताल, कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है कि इस टाइम पे चाहे कोई पवन हो, चाहे खेसारी हो, चाहे जो है जो भी मार्केट में स्टार कलाकार हैं, हम ये नहीं कहते हैं अपने आप में सब हैं, लेकिन जब हम राधेश्याम रसिया जी को सुनते हैं तो इनके जो आज आवाज़ में आज भी जो कशिश है, आवाज़ों का जो प्रेजेंटेशन होता है एक सिंगर के माध्यम से कि दिलों को छू जाए, वो चीज़ सुन के हमें बड़ा अच्छा लगता है। इसके लिए तो हम आपको जो है शब्दों से तो बयान नहीं कर सकते, लेकिन यही चाहते हैं कि आप ऑन कैमरा जो है ऐसे कोई बहुत ही जबरदस्त सॉन्ग रहा हो भोजपुरी सुना दीजिए। देखिए मेरा बहुत सा एल्बम हिट हुआ है, मुझे तो इतना ही याद नहीं है कि कितना मैं गाना गा चुका हूँ, कितना स्टूडियो में गाया हूँ। कोई ऐसा गाना कि जिसको गाते हुए भी आपको बड़ा आनंद आया हो, बड़ा अच्छा लगा हो जी, जिंदगी जतन से रखो, आज भी अमर कैसेट मैंने गा दिया, कुछ ऐसा चीज मैं गा दिया हूँ कि सात पुस्त लोग बोलता है हम नहीं रहेंगे तब भी वो गाना चलता रहेगा, आज भी बजता है। अब तो कल आए थे न्यूज वाले तो बोले कि जी आप ये गीत कैसे गाए हैं, कब चीत कब पट सैया मारे सटा शॉट, ठीक है, तो बोले कि इसका माने बताइए। तो दो सहेलियाँ थी, आपको बता रहा हूँ, तो एक सहेली कह रही तुम्हारा पति क्या करता है, वो कुछ बोली कि हमारे पति जी गाते हैं या बजाते हैं, तो इसने बोला कि और आपका पति क्या करते हैं, तो क्या करते हैं वो, कब चीत कब पट सैया मारे सटा शॉट, पूछ रही कि जी क्या चटपट मारते हैं, क्या मारते हैं, तो बोली है कि सपाट मारते हैं हमारा पति पहलवान है जी, कब चीत कब पट सैया मारे सटा शॉट सपाट, लेकिन सब मैं दुहरती गीत गए हुए सही है। हम चाहेंगे अगर इस प्रकार के किसी भी इंटरव्यू में किसी भी कलाकार से अगर पूछा जाता है तो वो एग्जांपल दे ही देते हैं, क्यों ना वीडियो के लास्ट में जो है एक लिख दिया जाए कि इन गानों का अर्थ यही होता है जी। क्योंकि जवाब ना देना पड़े ये चीज़ ना अच्छा लगता, कहीं कहीं क्या होता है कि लोग तमाम तरह के जो है बातों को जोड़कर
रहता कुछ और है, दिखावा कुछ और करते, बता कुछ और देते। सबसे हिट गाना मेरा चला था नीलम के सेट से, ये सखी सैया रोज रतिया के मोहल्ला। बहुत न्यूज वाले मुझे परेशान भी किए और पूछताछ किए कि ये सखी सैया रोज रतिया के मोहल्ला, तो बोल रही है कि हमारा पति ऐसे हैं कि मुझे कुछ काम करने नहीं देते हैं, मैं तो खाना बनाती हूँ लेकिन वो आते हैं तो भैंस है सब, यहाँ तक कि रही जो होता है ये सखी सैया रोज रतिया के महिला, वो दही को मोह करके मक्खन निकालता था। अच्छा, यही अर्थ में मैंने गाना गाया और ये गाना गाया था, मैं ट्रेन में आ रहा था तो केला वाला घुस गया, तो पास में हमारे बैठे थे कुछ लोग, तो एक औरत थी वो अपने हस्बैंड से बोली, हमारे सामने की बात है, जो केला लेके आइए केला खाऊंगी, घर बिक रहा है। वो केलवा जो था इतना पक गया था, तो उसको क्या किया वो लेडी जो है हमारे सामने ही, उसको पूरा पहले ही छील दिया, हाथ में पकड़ ली केला, खाना शुरू कर दिया, तब ही बोला कि आधा छीलो तब खा। तो मैंने मीटर मिल गया मेरे को, मैंने गा दिया आधा छीलो पूरा लीलो मत हिलो, ठीक ना, नहीं तो केला पर केला पका हुआ है जी, जाए हाथ में वो लहरा गया जी। तो हम लोग कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, कलाकार हैं, गायक हैं, तो ये जिम्मेदारी क्या, इतना तो जो है मनोवैज्ञानिक तरीके से अगर देखा जाए तो कलाकारों का जो माइंड होता है कहीं ना कहीं जो है जाकर लगी जाता है इन सब मैटरों पर। देखिए जी, संगीत एक ऐसी चीज़ है कि आदमी को सुधार देती है, बिगाड़ती नहीं है। कभी भी देखिएगा कोई ना कोई संगीत से लगाव है, संगीत एक अमृत है जी। मैंने गीत गाया हूँ, दुनिया के संगीत सभा में जीवन है एगो गीत रे, जीवन है एगो गीत, सुख और दुख दोनों होला ऐसन, मध्यम पंचम स्वर होला जैसन जी। कोई मध्यम होता है, कोई पंचम होता है, तो मैं ज्यादा पंचम से गाता हूँ, ऊपर से गाता हूँ। कोई मध्यम से गाता है, तो संगीत जो है ना जी, संगीत माँ सरस्वती का देन है, थारेली माई का देन है, कि उन लोग का छाया हमारे साथ घूमता ही रहता है और मेरा काम रुकता नहीं है जी। अब आया हूँ कम से कम आपके पास रहूँगा, मतलब दिल्ली में एक महीना लग ही जाएगा पूरा काम निपटा करके, तब जाऊँगा और उधर प्रोग्राम भी है हमारा जी। राधे श्याम रसिया जी, आपने वो सैड सॉन्ग जो बताया था अभी तक सुनाया नहीं, एक सैड सॉन्ग जरूर सुनाइए। देखिए एक सैड सॉन्ग सुनाता हूँ कि दर्दे दवाई बनल अरे सुन हर जाई, कि रब कर हम मर जाए हाय, कि अल्लाह कर हम मर जाए। बहुत सुपर डुपर है नंबर बना, आज भी चलता है जी। लोग लाइक करते हैं जी। और एक जाय हर जाय का इधर पोस्टर लगा हुआ है, तो भैया जा करके स्टूडियो में बोलिए कि रसिया जी का जो पोस्टर बना है वो तीनों पोस्टर दीजिए, मैं श्रोता को दिखा दूं कि नंबर रिलीज हो चुका है। और सबसे ज्यादा मैं प्यारा गीत मानता हूँ कि तुहारा दूधवा के नीक ना दियाई रे माई, तुहरा दूधवा के नीक ना दियाई रे माई, तुहरा ममता में सागर ना समाई रे माई। बहुत प्यार से मैं गीत गाता हूँ, हर मंच पे मुझे डिमांड होता है। तो राधे श्याम रसिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया है बीसीटी पर। चलते चलते आखिरी में कुछ कहना चाहेंगे हमारे ढेर सारे मित्रों से? देखिए हम तो कहेंगे कि जो बीसीटी जो आपका है ये चैनल को सब्सक्राइब करें जी, कमेंट करें, हम यही चाहेंगे और हमारे श्रोता बहुत चाहते हैं। आज के डेट में तो मुझे दो दिन पर इंटरव्यू वाले घर पे लाइने लगा रहता है, अब कहाँ कहाँ मैं भागूं, मैं कहीं खेत में भी बगीचे में भी भागता हूँ लेकिन वहाँ तक वो लोग पहुँच जाते हैं, अब पता नहीं कैसे जान जाते हैं लोग। अब जैसे हम आए, मुझे पता नहीं था कि आप न्यूज वाले आए हैं, तो कुछ बातें हैं, आप कुछ चीज ही ऐसे हैं पूरे मार्केट में कि भाई
हम बताया ना शुरू में ही बताया कि एक अनुभव जो होता है, एक गार्जियन जो होता है ना, कुछ भी हो जाए लेकिन जो अनुभव और कॉन्फिडेंस आपको है वो चीज़ हमें हासिल करने में जो है सालों लग जाएंगे। तो इसीलिए हम आपसे मिलते हैं, जुलते हैं और अपने दोस्तों से मिलाते हैं कि जो भी आप बताओगे बड़ा सटीक और सही जानकारी दोगे। जी, तो मैंने श्रोताओं से बोल दिया कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरा न्यूज जरूर देखिएगा कि हमारे भैया का नाम है आपका जी ध्रुवलाल यादव, ध्रुवलाल यादव जी है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया है हमारे सुपरस्टार राधेश्याम रसिया जी के साथ हमारे इस वीडियो में, इस चैनल पर। तो उम्मीद करते हैं कि आप भविष्य में आगे भी विजिट करेंगे और ढेर सारा प्यार और स्नेह राधेश्याम रसिया जी को और BCT को देते रहेंगे। मिलते हैं किसी नए वीडियो में अपने नए मित्रों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।